This Lallan Top video is presented by TVS Jupiter. आपके लिए एक स्कूटर स्कूटर से कहीं ज्यादा है। ये सफर है आपकी सफलता का। देखिए, ये हम सफर के साथ का सफर है, इसीलिए हमने बनाया ये नया जुपिटर जो है हर स्कूटर से ज्यादा। TVS Jupiter, ज्यादा का फायदा। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के सामने विस्फोटक से भरी गाड़ी मिलने के मामले में आरोपी असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे के बारे में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब दावा किया जा रहा है कि सचिन वाजे सरकारी नौकरी करने के दौरान कई कंपनियों से भी जुड़े थे, इनमें डायरेक्टर थे। इसके अलावा जांच एजेंसियां ये भी दावा कर रही हैं कि एंटीलिया के बाहर विस्फोटक वाली स्कॉर्पियो खड़ी करवाने से पहले सचिन वाजे और मनसुख हिरेन की मुलाकात हुई थी। तीन कंपनियों में डायरेक्टर थे वाजे। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार किए गए मुंबई पुलिस के अफसर सचिन वाजे कम से कम तीन कंपनियों में डायरेक्टर थे। 2010 से 2013 के बीच वह इन कंपनियों से जुड़े हुए थे। इनमें से दो कंपनियां बंद हो चुकी हैं। ये कंपनियां थी मल्टी बिल्ड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और टेक लीगल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। तीसरी कंपनी का नाम डिजी नेक्स्ट मल्टी मीडिया लिमिटेड है। ये कंपनी अब भी कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड है। इसमें सचिन वाजे डायरेक्टर हैं। गौर करने की बात यह भी है कि तीनों फर्म थाने में एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं। एंटीलिया मामले में वाजे की गिरफ्तारी के बाद अब NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी इन सभी कंपनियों की जांच कर रही है। कंपनियों के हैं कई मालिक। आज तक के मुताबिक डिजीनेक्स मल्टीमीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स के कारोबार में शामिल होने का दावा करती है। ये बात उसकी ओर से फाइल बैलेंस शीट में बताई गई है, लेकिन 2017 के बाद इस कंपनी की कोई सालाना जनरल मीटिंग आयोजित नहीं की गई। डिजीनेक्स में वाजे के अलावा पांच अन्य डायरेक्टर भी हैं। इनमें से एक शिरीष थोरात हैं। शिरीष चार दूसरी फर्मों में भी डायरेक्टर हैं। ये सभी फर्म 2011 से 13 के बीच बनाई गई। इन सभी कंपनियों ने अब अपना काम बंद कर दिया है। डिजीनेक्स में भागीदार बाकी लोग भी दूसरी कई फर्मों में निदेशक हैं। एंटीलिया मामले की जांच के सिलसिले में NIA ने गुरुवार को दो और लग्जरी गाड़ियां जब्त की। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक इनमें एक मर्सिडीज बेंज है और दूसरी है प्राडो। अधिकारी बताते हैं कि प्राडो कार रत्नागिरी के रहने वाले शिवसेना से जुड़े विजय कुमार गणपत भोसले के नाम से रजिस्टर्ड है। तीन दिन पहले भी NIA ने एक मर्सिडीज बेंज कार को जब्त किया था। कार में 5 लाख रुपए नकद और नोट गिनने की मशीन भी मिली थी। उस कार के मालिक सुरेश भवसारे ने पुलिस को बताया कि उन्होंने फरवरी में ही अपनी कार को एक कार ट्रेडिंग कंपनी को बेच दिया था। उनका वाजे से कोई लेना देना नहीं है। NIA का दावा है कि सचिन वाजे ने इस कार का इस्तेमाल किया था। हिरेन और वाजे की मीटिंग का हुआ खुलासा। NIA और ATS ने CCTV फुटेज खंगालने के बाद एक और बड़ा दावा किया है। एजेंसियों का कहना है कि 17 फरवरी को सचिन वाजे और मनसुख हिरेन की मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात करीब 10 मिनट तक चली। मनसुख हिरेन ओला कार के जरिए इस मीटिंग के लिए पहुंचे थे। एजेंसी का दावा है कि इस ओला कार के ड्राइवर ने बताया कि सफर के दौरान हिरेन को 5 फोन कॉल आए थे। पहले मीटिंग की जगह पुलिस हेडक्वार्टर के सामने रूपम शोरूम की रखी गई थी। बाद में इसे बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कर दिया गया। एजेंसियों ने दावा किया कि उनके पास CCTV फुटेज है जिसमें हिरेन और वाजे मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 25 फरवरी को उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक स्कॉर्पियो मिली थी। उसमें जिलेटिन की 20 स्टिक्स रखी हुई थी। जांच हुई तो पता चला कि कार मनसुख हिरेन नाम के शख्स की थी। मनसुख ने पुलिस के सामने दावा किया कि कार 17-18 फरवरी को चोरी हो गई थी। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में भी दर्ज कराई थी। पुलिस जांच कर ही रही थी कि 5 मार्च को मनसुख का शव थाने से बरामद हुआ। मनसुख की पत्नी ने आरोप लगाया कि हिरेन की हत्या की गई है। इस प्रकरण में जिस व्यक्ति पर सवाल उठे वो असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे ही हैं। BJP ने भी इस मामले में सचिन वाजे की भूमिका पर सवाल उठाए थे। जानते हैं कैसे हुई सचिन वाजे की गिरफ्तारी। मामले की जांच में जुटी NIA ने 14 मार्च को मुंबई पुलिस के ऑफिसर सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया। NIA ने पहले तो उनसे जांच में जुड़े एक पुलिस अधिकारी के तौर पर बातचीत की, लेकिन जल्द ही उन पर शक गहराने लगा। 13 मार्च को सचिन से करीब 12 घंटे की पूछताछ की गई। उसके बाद आधी रात के करीब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी मनसुख हिरेन की संदिग्ध मौत और एंटीलिया के बाहर विस्फोटक भरी स्कॉर्पियो के सिलसिले में की गई। NIA ने सचिन वाजे के खिलाफ जालसाजी, विस्फोटक पदार्थ के साथ लापरवाही बरतने, नकली मुहर बनाने और धमकी देने से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।